नमस्कार आदाब, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा इस वक्त अपने अंतिम पड़ाव में है और मुंबई शहर में है। मुंबई शहर जहाँ की लाइफलाइन कभी टैक्सी हुआ करती थी और अब भी काफ़ी हद तक है। तो हमें पता चला हमारे होटल के पास ही एक टैक्सी स्टैंड है, तो हम अपनी वाव कार पर सवार हुए और यहाँ पहुँचे कि कुछ टैक्सी वाले भाइयों के साथ बात की जाए। तो कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर जो टैक्सी चलाते हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? असीरुद्दीन। असीरुद्दीन, आप टैक्सी चलाते हैं? जी हाँ। कितने सालों से? हो गया 40 साल। कौन सी गाड़ी है आपके पास? सेंट्रो। सेंट्रो है, यही गाड़ी है कई दिनों से? इसके पहले से बहुत गाड़ी आई गई। अच्छा, पहले फिएट होती थी शायद? फिएट थी। अच्छा, आप सेंट्रो हैं। तो कैसे चल रहा है इस वक्त टैक्सी बिजनेस शहर? बस चल रहा है, नरम गरम चल रहा है। नरम गरम चल रहा है। ओला उबर आई, कुछ फर्क पड़ा? चल रहा है, इसे नरम गरम है, कुछ फर्क तो है ही है, थोड़ा बहुत कुछ फर्क तो है। आप भी चलाते हैं? हाँ, हम भी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी है आपके पास? टैक्सी है। कौन सी? मतलब ओमनी है। ओमनी, ओमनी वैन जो होती है वो जो साइड से खुलती है? हाँ, साइड से खुलती है। अच्छा, तो क्या आप क्या स्कूल वूल में भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम स्कूल में नहीं करते। कितने घंटे चलाते हैं आप टैक्सी? 12 घंटा चलाते हैं। 12 घंटे। घर से कब निकलते हैं? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को 7 बजे, 6-7 बजे तक चलाते हैं। तो यहाँ मैंने देखा है मुंबई में ट्रैफिक के हाल बहुत ख़राब है। ट्रैफिक, आपका टाइम ज़्यादातर तो समय उसी पे जाता होगा, ट्रैफिक में ज़्यादा फंसते हैं। अच्छा, ओला उबेर के हिसाब से आपकी टैक्सी है जो है, जो हाथ दे के रोक लो, मीटर डाउन करो, चल दो, हाँ, रेट में कुछ डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या उसमें कुछ बता रहे हैं कि कम है? अच्छा, इसलिए पैसेंजर उसमें भागते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, ऐसा है नहीं? ऐसा है नहीं, लोग घर बैठ के मोबाइल से कर देते हैं, दरवाजे पे आ जाती है, आपके लिए उसको सड़क पे आना पड़ता है। उनको सड़क पे आना पड़ता है, उन लोग को बस इसी प्रॉब्लम है। तो लोग ज़्यादा प्रेफर वही कर रहे हैं? हाँ, ज़्यादा वही। तो इससे आपका बिजनेस पे तो असर पड़ा ही होगा? हाँ, बहुत पड़ा है। और किन वजहों से असर पड़ा है? मुंबई में लोकल तो थी ही शुरू से, अब मेट्रो भी शुरू हो गई है। हाँ, मेट्रो से भी दिक्कत हो रही है ऐसा। अच्छा, जो शेयरिंग में टैक्सियाँ चलती हैं जैसे टीशन से, और ये सब बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसा थोड़ी। आप आउट स्टेशन भी जाते हैं? हाँ, आउट स्टेशन भी, आउट स्टेशन भी जाते हैं, वो उसमें भी चलाते हैं टूरिस्ट की तरह। हाँ, से भी चलाते हैं। क्या समस्या है आपके शहर में? चुनाव चल रहे हैं तो क्या आपकी किसी वाजिब मांग पर कहीं कोई ध्यान दे रहा है? नहीं, चुनाव के बारे में तो हम नहीं बता सकते। चुनाव के बारे में आप नहीं बता? आपका क्या नाम है सर? सुधाकर। सुधाकर, आप महाराष्ट्र से ही हैं? महाराष्ट्र के। अच्छा, आप कितने साल से टैक्सी? हो गया 25 साल। 25 साल से हो? तो धंधा मंदा है, ठीक है या वैसा ही है? धंधा मंदा तो टोटल 80% मंदा है। 80% मंदा। धंधा है किधर? नहीं है धंधा। धंधा है किधर? तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप, कैसे गुजारा क्या करने का है? वैसा एक रोटी का आधा रोटी, उससे आधा रोटी, वही चल रहा है। अच्छा, क्या है? एक रोटी की जगह दिन फाइन बढ़ रहा है, ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी डालो, वो गाड़ी, वो उनका कमीशन ले रहा है, अपने लोगों को लूट रहा है, और क्या कर रहा है? अच्छा, आपकी खुद की गाड़ी है? खुद की गाड़ी है? मेरी खुद की, मैंने परमिट जमा कर दिया आरटीओ में। अच्छा, किस वजह से? अरे गाड़ी कौन सा डालेगा, एक बार वो अल्टो आएगा, ओमिनी आया, इको आया, फिर अभी वैगनर आया, फिर अभी सेंट्रो बंद कर दिया, अभी स्विफ्ट टूल डालो, 7.5 लाख का गाड़ी है, कहाँ से पैसा लाएंगे? 22 रुपये से कैसा जमा करेंगे? हर बार गाड़ी चेंज नहीं कर सकते ये लोग। अभी स्विफ्ट टूर दे रहे 7.5 लाख की गाड़ी ऑन रोड पे आने के लिए, 7.5 लाख यानी इसका EMI कितना हो गया? पैसा लाएगा कहाँ से? तो वो आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए 22 रुपये से अपने को मिलता है। आज 4 साल से 22 रुपये का कुछ बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा। CNG कितना बढ़ा? इंश्योरेंस कितना बढ़ा? खाली बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, मगर इसका क्या है? परमिट कितने में मिलता है? परमिट अभी क्या, वो अभी क्या दे रहा है ना, 16,500 या 25,000 कुछ बोल रहा है। अभी पहले 96 में परमिट बंद हुआ था, इसके बाद में परमिट खुला नहीं था। अच्छा, अभी खुला कर दिया, आओ जाओ तुम्हारा घर, कोई भी आओ लेके जाओ। 25,000 कुछ बोल रहा है या 16,500 कुछ बोल रहा है। अच्छा, तो एक टैक्सी विद परमिट और नई टैक्सी बनाने में टोटल कितना खर्चा है अभी, अभी जो स्टैंडर्ड टैक्सी चल रही है? अभी परमिट आपका हो तो भी ऑन रोड पे आने के लिए 7.5 लाख रुपए तक खर्चा आता है। ऑन रोड परमिट के बाद? परमिट छोड़ के। परमिट छोड़ के जो 8-9 हज़ार इंश्योरेंस था, अभी वो 25,000 के ऊपर इंश्योरेंस गया, कहाँ से लाएंगे? 8 से 3 गुना बढ़ गया, पैसा कहाँ से लाए? मीटर 22 ही है ना? मीटर 22 ही है। मीटर 22 ही है भैया, 22 रुपये मीटर है। अच्छा, गैस का कितना बढ़ गया? 52 रुपये। वाह, गैस का बढ़ गया 52 रुपये। दूसरी बात, हमारा कहना क्या है, एक गाड़ी ऐसा रखो कोई इसमें डिक्की हो जाए, दुनिया भर का 4 साल में 4-5 मॉडल बदली करेगा, ये नहीं करेगा, वो करो, वो नहीं वो करो, ये CC नहीं चलेगा, वो CC। अरे तुम फिर स्टडी क्या करते हो? लगातार बदल रही है गाड़ियाँ। अभी कितना मॉडल बदली हो गए 3-4 साल में? कौन कौन सा?
अभी लास्ट में अभी कौन सा आया है, ग्रैंड i10। अच्छा, और स्विफ्ट टूर डालो, मतलब मैक्सिमम मिनिमम रेट में इसका आगे वाला आप डाल सकते हो, भाई इसका इतना रेट है, फिर पैसा लाएगा कहाँ से भाई। तो नया मॉडल आता है मान लीजिए, तो क्या पुराने को मना कर देते? हाँ, बंद हो गया, वैगनर बंद हो गया, रिड्स भी बंद हो गया। अच्छा, फिर वो लोग क्या करें, दूसरी गाड़ी खरीदे, ये बोलते हैं। वाह, अब ये नहीं भाई, 1000 का नहीं 1200 सीसी का डालो। अरे 1200 सीसी का डालो, मगर उसका पैसा कितना जाता है, लाएगा कहाँ से। अरे जो गाड़ी लोग अभी यूज करने को कौन सा बोल रहा है, स्विफ्ट टूर लो, नहीं तो ग्रैंड i10 लो। इस गाड़ी का दाम कितना है, कोई नहीं ले सकता है तो घर बैठे वो उसपे पास ही नहीं करेगा ना, वो मिनिमम वो है। उसका आगे वाला मॉडल आप डाल सकते हो, वो बात नहीं है, मिनिमम वो है, मतलब कम से कम रेट वाला। और ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया, ये चलान वलान इतने हेवी होने लगे, तो आप लोगों पे कुछ असर पड़ा है? नहीं, असर तो पड़ेगा, डिसिप्लिन तो होना चाहिए, बदल तो होना चाहिए, ये बात को हम मानते हैं, बदल तो होना चाहिए। अच्छा, पुलिस की कोई दिक्कत है यहाँ पर, रोकते हैं कहीं यहाँ पे? नहीं, और ऐसा तो है, ये यहाँ पे तो नहीं है, टैक्सी वाला स्टैंड छोड़ के नहीं रह सकता है, रहता भी नहीं, टाइम ही नहीं पड़ता है उसको, एक तो ट्रैफिक में, ऊपर से किधर भी फोटो निकालते, मतलब स्टैंड के सिवा किधर खड़ा नहीं रह सकता है। आप भी की टैक्सी कब से चला रहे हैं? 20 साल से। क्या नाम है आपका? वसंत। महाराष्ट्र में, मुंबई में, मुंबई से हैं आप? अच्छा, 20 साल से टैक्सी चला रहे हैं। घर में कौन कौन है? बीवी है, दो बच्चा है। बच्चे छोटे हैं बड़े हो गए? नहीं, बड़े हो गए, वो खुद कर गए, काम वाम कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आपका टैक्सी से वर्षों तक गुजारा चला है? हाँ, उसमें अभी स्लो डाउन हुआ है? बहुत स्लो हो गया, मतलब अभी क्या है, टाइम भी नहीं है, ट्रैफिक में टाइम भी नहीं पड़ता है। पर कहते तो यही कि बड़ा शहर हमेशा तरक्की ही करवाता है। तरक्की बराबर है, तरक्की तो है, मगर अभी बड़ा बड़ा गाड़ी डालेगा तो कितना पैसा लगेगा, उसके लिए पैसा ही मांगता है, इंश्योरेंस बढ़ गया। यार, 2 लाख की गाड़ी थी जब भी यही रेट मिलता था, अभी 7.5 लाख का गाड़ी डालो तो भी यही रेट मिल रहा है। 7.5 लाख किधर और 2 लाख किधर, मतलब 5.5 लाख पालते। उसका EMI कितना हो गया, उसका EMI कितना हो गया, 8-9 हज़ार इंश्योरेंस, अभी 25-30 हज़ार इंश्योरेंस हो गया, आदमी पैसा लाएगा कहाँ से। तो आपके आप चाहते हैं कि बेसिक जो आपका फेयर है वो बढ़े? कुछ तो कैलकुलेशन होना जरूरी है ना, तुम लोग गाड़ी बढ़ा रहे हो ना, उसके कुछ तो कैलकुलेशन करके तो तुम लोग रेट दिए ना, पर ये क्यों कहीं कैलकुलेशन हो रहा है। पर फिर आपके फेयर और ज़्यादा बढ़ेंगे तो ओला उबर वालों की और चांदी हो जाएगी, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी कंपनी वाला तो वो समय समय पे चल रहा है, कभी 100 में जाता है वो अभी 400 लेता है। हाँ, वो तो पर ये गणित लोगों के समझ में नहीं आता ना, उनको लगता जब वो 100 में लेके जाता है उतना डिस्टेंस, वो 400 लेता है, कभी 500 लेता है, ये कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। आदमी क्या करता है, वो जब कम होता है जब ओला वगैरह को फ़ोन करता है, जब इसमें नहीं ज़्यादा होता है जब इसमें इस तरफ आता है कभी कभी। अच्छा, ये तकलीफ जब उसके मोबाइल पे दिखता है कि ज़्यादा पैसे ले रहा है तो सड़क में आता है, सवाल ही नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी गाड़ी चलाता हूं। आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपको भी लगता है कि यही सब सिस्टम चल रहा है यहां? हां, बराबर है, सही बोल। तो क्या लगता है, सुधरेगा ये? क्या सुधरेगा, क्या मालूम, नहीं सुधरेगा। चलिए, टैक्सी चलाने वाले भाइयों से हमने बात की, सबकी अपनी समस्याएं हैं। ओला उबर के बाद, बड़ी बड़ी एमएनसीज़ के इसमें आने के बाद, छोटी छोटी जगहों पे कैसा इसका असर हो रहा है, ये हमें हर जगह नज़र आ रहा है कि जो बड़ी मछलियां होती हैं छोटी मछलियों को नष्ट कर ही देती है। ये लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा है, हम हर तरह के लोगों से बात करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम मुबारक है।